कहते हैं रूढ़िवादी सोच से निकले जमाना हो गया, लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका आज भी अपनी मानसिकता के मामले में पीछे है। तरक्की ताकत से नहीं, सोच से होती है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमेरिका की एक फ्लाइट में एक महिला को नीचे उतार दिया गया। आप इसके पीछे की हकीकत जानकर हैरान हो जाएंगे। मामला सोमवार का है जब अमेरिका के यूनाइटेड एयरलाइंस का विमान डेनवर से मिनियापोलिस जा रहा था। इस दौरान डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गेट पर सोशल एक्टिविस्ट शेनोन वॉट्स को लेगिंग्स पहने होने की वजह से फ्लाइट में सफर करने से रोक दिया गया। शेनोन वॉट्स ने मामले को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए और यूनाइटेड एयरलाइंस पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लेगिंग्स बदलने के लिए दबाव डाला गया। कहा गया कि लेगिंग्स बदलो या फिर किसी और ड्रेस से उसे कवर करो। साथ ही वॉट्स ने सवाल भी उठाया कि अमेरिकी पुलिस महिलाओं के कपड़ों को लेकर ऐसा बर्ताव कब से करने लगी। हालांकि मामले के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस ने ट्वीट किया, लिखा कि लड़कियों के लेगिंग्स पहनकर फ्लाइट में सफर करना कंपनी के नियम के खिलाफ है। कंपनी को हक है कि सफर के दौरान अगर पैसेंजर्स ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज के तहत कपड़े नहीं पहने हैं तो उन्हें रोका जा सकता है। हालांकि कंपनी ने कपड़े पहनने के गाइडलाइंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बाद में मामला बढ़ता देख यूनाइटेड एयरलाइंस ने दोबारा ट्वीट किया और अपने पैसेंजर्स के लिए लिखा कि आपके लेगिंग्स का स्वागत है। आधुनिकता की दहलीज लांघकर दुनिया को आधुनिक बनाने वाले अमेरिका से सामने आई ये घटना वाकई हैरान करने वाली है। इस घटना से ये साफ है कि चाहे जितना भी बड़ा देश क्यों न हो, लेकिन जब तक इंसान की मानसिकता नहीं बदलेगी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। देखते रहिए डीबी लाइव।